सर वही हैं जिनको आपको आपने सस्पेंशन का ऑर्डर दिया था सर, और उनका सस्पेंशन आज तक नहीं हुआ है, उन्हीं को फिर से जांच दे दी गई है, उन्हीं से जांच करवाई गई, जबकि गांव में कम से कम 50-60 लोग हैं सर हमारे मोहल्ले को छोड़ के, क्योंकि वहां विवाद है, उसके अलावा गांव में कहीं भी पता कर लेंगे सर, सब बता देंगे, और सर हमारे चाचा की पुलिस में उनको भी फंसाया जा रहा है। बताइए सर, मतलब अब कागज सारा सामान उठा लीजिए गाड़ी में आपके दे रहे हैं, बड़े बात में वो कहते दरोगा जी बोल रहे हैं उसका भाई थे, और एप्लीकेशन दिया आपको यहाँ दिया, एस पी साहब के यहाँ दिया, दरोगा जी लग गए 3 मरतबे, कहें भाई वो लोग नहीं मान रहे हैं, 3 मरतबे गए कौन सुनाई नहीं सर, हमारे हम कहा सर तक यदि हमें कौन आप ले गई हो सब सामान ले गई वहाँ से या वहीं है? नहीं सब ले गई। तो आप क्या चाहिए आपको? अब क्या चाहिए साहब, मतलब अभी भी कहाँ से खैर 200 रुपया 2000 रुपया कहाँ से, उसका भाई आया जिसे मोटरसाइकिल उठा ले गई बात भी आज नहीं। इससे आपके पिता का क्या मतलब है, क्या संबंध है? संबंध ये है सर कि रिटायर हुए, अकाउंट खुलवाए थे बैंक में, इनके पिताजी को आई थी चेकबुक, तो बसंत लाल नाम का दूसरा व्यक्ति जो है सना दूसरा है, सारी चेकबुक ले लिया, लेने के बाद 3 बार में उसने जो है पेमेंट निकाल लिया सर, ये हमारे पास रिकॉर्ड है, ये एक बार जो है 10,000, एक बार 50,000, एक बार 15,000, एक बार 20,000। नहीं बताइए क्या हुआ साहब, 23 जुलाई को हमको मारे हुए थे, उसका कोई कार्रवाई कुछ हुई नहीं, उसके बाद 15 तारीख को जो है शनिवार को फिर उसने धमकी हमको दे रहा साहब, हमारे ही जमीन पड़ती है, मकान पड़ता है उसका, आखिरी पड़ता है, पूरा रास्ता हमारा जाम करता है, विद्यालय की पार्किंग व्यवस्थाएं नहीं है, इसके कारण सारी गाड़ी जो है हमारी जो है दरवाजे भी खड़ी होती है, हम लोग को बार बार कहने पर हमें उल्टा ही हम लोग जो है धमकी देना, यह कहता है कि ठाकुर तुम बात करो, हमारे पास ही बात करते हो, अपनी बच्चों को पढ़ने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है, बच्चे भी नहीं पढ़ते, पता 7 तारीख को बड़े भैया को उनकी बड़ी बच्ची है साथ ही गिरफ्तार कर लिया, 18 का पेपर पेपर 25 तो इसमें तो सीईओ जांच करते हैं कोई ऐसा केस तो नहीं कर नहीं पा रहे सर, यहीं आप तलब कर लीजिए सर, सर रिक्वेस्ट नहीं, ये क्या फर्जी है मामला आपकी निगाह में? जी जी हाँ तलब कर लीजिए सर। हाँ मेरे भाई ने स्वयं ही हमें गाली गलौज, एक तो शराब पी कर आए, गाली गलौज देने लगे, ऊपर से मार पीट पर गला दबा कर मारने की कोशिश की, तब तो 3-4 दिन पहले से पी खा कर आते, तब तो हम ये सब किए ऐसे थाने पे दे दिए थे, जब 16 तारीख की ऐसी कंडीशन हुई जो कि 112 नंबर भी डायल किया गया, इनोवा गाड़ी से आए 2 पुलिस थे, उन्होंने हमको ले गए हॉस्पिटल में भी एडमिट किए। बताइए क्या हुआ बताइए। उषारानी महिला आयोग सदस्य ने आपको यहाँ भेजा। क्यों नाम? उषारानी महिला आयोग सदस्य। हाँ बताइए सर, मेरा पढ़ाई के दौरान एक लड़की के साथ अफेयर, तो वो शादी का झांसा देके मेरे साथ 4 साल मेरे ही साथ रहते थे, और शादी जब उनकी नौकरी लग गई तो वो शादी मुझसे करने से इनकार कर दी, तो मुझे मजबूरन कहीं और कर लिया उसने शादी, क्या शादी अभी नहीं की है, लेकिन वो मुझसे इनकार कर दिए क्योंकि कास्ट इशू हो रहा था, फिर वो और उसको जॉब लग गई, लगने के बाद मुझे मजबूरन मुकदमा करना पड़ा, जब वो मेरे साथ 4 साल रहते थे तो मैं JRF की स्टूडेंट, ये कौन कहा था मुकदमा उठाया, पहले दीदी के हम अकेले हैं तो हमका हाथा नहीं थी तो मुकदमा दायर किया, 1 साल का मुकदमा चल रहा है, मैं वहाँ गया नहीं लेकिन 8 महीना हो गया सर, मैं 6 महीने बाद आया हूँ, मैं सोचता हूँ कि दीपावली में सर दिया जलवा दीजिए, 28 तक मेरी छुट्टी सर, जबकि कुछ करते नहीं है कोई, मतलब काम नहीं करते 2500 साल से बैठ के जो प्रॉपर्टी, आप ये सब बातें बता देना, घबराइए नहीं, बिल्कुल सही कार्रवाई होगी, ठीक है? परसों सर चढ़ के जो है फैक्ट्री पे और मारपीट करने लगे, जबकि बुलाए फ़ोन करके बुलाए थे। आपने रिपोर्ट पढ़ ली? जी सर, मैं आवेदिका द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर, कौन है आवेदिका, कौन थी? जी माता जी हमारी। दिनांक 9/4/22 को NCR पंजीकृत किया गया था, उत्तरप्रांत न्यायालय के आदेश में मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर 12/5/22 को अपराध संख्या 325/323/5000 में पंजीकृत किया गया, विवेचना से संक्षिप्त साक्ष्य के आधार पर 24/5/2022 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया, तथा समय उपलब्ध मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर समुचित धाराओं की वृद्धि की गई है, वादनी मुकदमा द्वारा डॉक्टर कमलाकर सिंह बेली अस्पताल प्रयागराज द्वारा जारी CT स्कैन रिपोर्ट उपलब्ध कराए जाने पर विजिलेंस द्वारा अग्रिम विवेचना कराते हुए साक्ष्य के गुण दोष के आधार पर 308 की वृद्धि कर अभियुक्तों के विरुद्ध 41(1) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 6/8/22 को आरोप पत्र संख्या 2 ये भेज दिया गया है।
चार्जशीट चली गई, अब क्या चाहिए? सर, सर वो सब हो गया है सर, वो आपकी अनुकंपा पे हुआ है। क्या आप क्या करना क्या है, क्या चाहिए बताइए। सुनवाई में सर आपने आदेश किया था तो सब हो गया है 308। आप किस लिए आए हो सर? उसके बाद ये आरोपी जो हैं, ये 308 में जितने मुलजिम हैं, इसने एक अप्लीकेशन दिया 31 तारीख, 25 तारीख को 308 की वृद्धि हुई 25 जुलाई को, और 31 जुलाई की अप्लीकेशन दिया कि हमको हमारे चाचा लिख तो नहीं गया, ये जो लिखा है लिख गया सर। कब लिख गया ये? अभी सर लिखा है, अभी संडे को। किसके आदेश पर? अब सर ये SC ST कोर्ट सर उस उनके संज्ञान पर, और सर उसके पहले जो चौकी अब कोर्ट के आदेश पर लिख गया तो उसमें मैं क्या करूँगा सर? एक निवेदन है सर, इसमें एक अप्लीकेशन लिख ये है FIR की। ये सर इसके आदेश पर सर हुआ है SC ST कोर्ट। चलिए हो गया, अब आगे बताइए मुझे। हाँ। इसमें जो है ये जो 308 जिसके प्रति जिसके हुआ है 308, ये इसमें गवाह बना है सर, और ये जो किया है इसका ड्राइवर है सर बलराम। सब समझ में आ गई, तो ये IO को बताइए ना मुझे क्यों बता रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। सर IO सर वही है जिनको आपको आपने सस्पेंशन का ऑर्डर दिया था सर, और उनका सस्पेंशन आज तक नहीं हुआ है, उन्हीं को फिर से जांच दे दी गई है, उन्हीं से जांच करवाई गई, जबकि गाँव में कम से कम 50-60 लोग हैं सर हमारे मोहल्ले को छोड़ के, क्योंकि वहाँ विवाद है, उसके अलावा गाँव में कहीं भी पता कर लेंगे सर सब बता देंगे, और सर हमारे चाचा एक पुलिस में उनको ही फंसाया जा रहा है, वो छुट्टी आए थे 16 अगस्त को, 17 अगस्त को लिखा दिया गया कि मारपीट। IO को यहाँ बुला लीजिए, आइए भाई यहाँ बुलाइए। ठीक सर, आपसे ही उम्मीद है सर। नहीं सर, हम लोग को चाहते हैं कि सर हम लोग की नौकरी दोनों लोग फंस जाए, टीचर है एक पुलिस में सर, तो उसके बाद समझौता कर सामने बुला लीजिए तभी क्लियर होगा। अच्छा सर, भुल्लूर यादव जी सर, क्या बताएं सर, उस बार आपको देख गए थे, 15 दिन हो गया लड़का। ये जो रिपोर्ट आई है ये पढ़ाई गई है आपको? आवेदक में विपल मृत्यु हो जाने के कारण क्षतिपूर्ति का पैसा आवेदक की बहू श्रीमती सुनीता के खाते में प्राप्त हुआ है, जिसके पश्चात क्षतिपूर्ति के पैसे व संपत्ति को लेकर दोनों पक्षों के मध्य वाद विवाद व्याप्त है, तदुपरांत आवेदक की बहू अपने शादी के सामान मोटरसाइकिल आदि को अपने मायके भिजवाने जिस कारण दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर अपनी अपनी बात कह रहे हैं, जांच उपरांत मात्र पैसा व संपत्ति का विवाद होना पाया गया, आवेदक द्वारा अंकित अन्य आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। बताइए सर, मतलब अब कहा गया सारा सामान उठा लीजिए, गाड़ी में आपके दे रहे हैं, बड़े बात में वो दरोगा जी बोल रहे हैं उसका भाई थे, और अप्लीकेशन दिया आपको यहाँ दिया, SP साहब के यहाँ दिया, दरोगा जी लग गए 3 मरतबे, कहें भाई वो लोग नहीं मान रहे हैं, 3 मरतबे गए कौन सुनाई नहीं सर, हम कहा सर तब यदि हम कौन आप ले गई हो सब सामान ले गई वहाँ से या वही है? नहीं सब ले गई। तो आप क्या चाहिए आपको? अब क्या चाहिए साहब, मतलब अभी भी कहाँ से फिर 200 रुपया 2000 रुपया कहाँ से, उसका भाई आया जिसे मोटरसाइकिल उठा ले गई, बोली दरोगा जी बोल रहे हैं दे दो, उसका भाई एक चचेरा वहाँ चौकी पर, चौकी सामने दुकान है, तो दरोगा जी सब 3 मरतबे गए घोड़े भी रहते सर बाहर कौन सुना मेरे पास कुछ नहीं हो रही उसको सब इंस्पेक्टर को कह दो वहाँ ज़्यादा फालतू में ना करो, वो चलेगी तो चलेगी, ज़्यादा दबाव का बनाए नहीं तो यहाँ तलब कर लो सबको, गाड़ी करो जाओ ऊपर चलिए ठीक है, पानी नहीं दे रहे अब वो तंग नहीं करेगा, अगर नहीं तो फिर यहाँ बुला लिया जाएगा उसको, ठीक है जब बुलाया जाए तो आप आ जाना है, आज फोन से बता देना, अगर आपको लगे कि यहाँ बुलाने की ज़रूरत है तो बुला लेना सबको जाइए। 2009 में हेड कांस्टेबल से रिटायर्ड हैं, 2015 में उनको पालिस मार दिया, 4 सीट नहीं लगा रहे, कई बार आई को सबमिट भी चुकी है, सारे डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, उसके बाद भी आज कल नहीं, इससे आपके पिता का क्या मतलब है, क्या संबंध है? संबंध ये है सर कि रिटायर हुए, अकाउंट खुलवाए थे बैंक में, इनके पिताजी को आई थी चेकबुक, तो बसंत लाल नाम का दूसरा व्यक्ति जो है सना दूसरा है, सारी चेकबुक ले लिया, लेने के बाद 3 बार में उसने जो है पेमेंट निकाल लिया सर, ये हमारे पास रिकॉर्ड है, ये एक बार जो है 10,000, एक बार 50,000, एक बार 15,000, एक बार 20,000। नहीं यही बुला रहे हैं, जब वो आ जाएगा IO आ जाएगा उसके सामने बताना है सब। ठीक सर, ठीक ठीक। राजबली अभी बताएंगे थोड़ी देर में इनको। बताइए क्या हुआ साहब, 23 जुलाई को हमको मारे हुए थे, उसका कोई कार्रवाई कुछ हुई नहीं, उसके बाद 15 तारीख को जो है शनिवार को फिर उसने धमकी हमको दे रहा है,
अब आप समझिए ये जो रिपोर्ट आई है लिख के एसपी साहब की, ये पढ़ी आपने? जी सर पढ़ी। विपक्षी प्रबंधक का कहना है, विपक्षी है आपका उसका कहना है कि एक दिन ज्ञान भारती विद्यालय का ई रिक्शा रास्ते पर खड़ा था जिसको आवेदक गोकुल प्रसाद द्वारा ईंट से मारकर तोड़ दिया गया, ये बात सही है? जी बिल्कुल सही है। ये जो है हमारे गेट के सामने जो है उनकी पहली बार ये विद्यालय की कोई पार्किंग व्यवस्था नहीं है, ये हमारे गेट के रिक्शा तोड़ दिया आप लोगों ने, तोड़ा क्यों? नहीं नहीं रिक्शा तोड़ा नहीं, उसकी हेडलाइट ट्रिप हुई थी बस, इन्होंने जो है जिसका विरोध करते हुए ई रिक्शा चालक द्वारा आवेदक गोकुल प्रसाद को धक्का दे दिया गया। वो बिल्कुल गलत। किसने दिया धक्का? धक्का जो धक्का है मारा पीटा है। किसने? आवेदक गोकुल प्रसाद द्वारा रास्ते पर मोरंग रखकर स्कूल का रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया। आप लोगों ने मोरंग रख दिया? इसका विरोध विपक्षी रवि कस्ते से आवेदक मोरंग हटा ले। वह ज्ञान भारती स्कूल के प्रबंधक को हिदायत दिया गया कि आवेदक के घर कोई वाहन नहीं खड़ा करेंगे। मोरंग हट गया नहीं? जी वाहन अभी भी खड़ी कर रहे हैं भाई। आपने मोरंग हटाया नहीं? वो सब नहीं, हमारा साहब हमारे ही जमीन पड़ती है, मकान पड़ता है, उसका आखिरी पड़ता है, पूरा रास्ता हमारा जाम करता है। विद्यालय की पार्किंग व्यवस्थाएं नहीं है, इसके कारण सारी गाड़ी जो है हमारी जो है दरवाजे भी खड़ी होती है, हम लोग बार बार कहने पर हमें उल्टा हम लोग जो है धमकी देना। यह कहता है कि ठाकुर तुम बात करो, समाज पास ही बात करते हो, अपनी जमीन हमको दे दो। 15 तारीख हमको धमकी दे दिया है। विद्यालय बगल से जो है हमारा प्लान, इसका विद्यालय अंदर है साहब, पहले हमारी जमीन यहाँ से वहाँ तक पड़ता हमारा घर, अब पूरा हमारा रास्ता जाम करता है। FIR के आदेश कर दिए। विद्यालय बगल में सर हमारा प्लाट है, केवल जो मारे ये दिखाओ। ठीक है FIR लिख कर वीडियो दिखाओ, जो मारे सीसीटीवी गाड़ी कहाँ, अब उनको दिखाना आईओ को जो भी है। ठीक, पहले FIR लिखाओ। राजेश कुमार बताइए, बैठिए। बच्चों को पढ़ने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है, बच्चे भी नहीं थे, पेपर था 7 तारीख को, बड़े भैया तो उनकी बड़ी अच्छी है, साथ ही गिरफ्तार कर लिया, 18 का पेपर था, 25 का नंबर। तो इसमें तो CEO जांच करते हैं कोई ऐसा केस थोड़ी कर नहीं पा रहे सर, यही तलब कर लीजिए सर। सर रिक्वेस्ट नहीं, ये क्या फर्जी है मामला आपकी निगाह में? जी जी तलब कर लीजिए सर। हाँ ओके सर, मैं जाँच समझ रहा हूँ, यही आप कर लीजिए। मुकदमा क्या हमने लिखा है क्या यहाँ से? जी नहीं। फिर सर इसकी जांच आप ही कर पाएंगे सर, वहाँ से कुछ मिल नहीं पा रहा है। बुला लो सबको, आईओ को। चलिए अभी थोड़ी देर में ट्रीट पता कर चलेगी आप। ठीक सर, 16 तारीख को घटना ऐसा हुआ, मेरे भाई ने स्वयं ही हमें गाली गलौज, एक तो शराब पी कर आए, गाली गलौज देने लगे, ऊपर से मार पीट पर गला दबा कर मारने की कोशिश की। तब तो 3-4 दिन पहले से पी खा कर आते, तब तो हम ये सब किए ऐसे थाने पे दे दिए थे। जब 16 तारीख की ऐसी कंडीशन हुई, जो कि 112 नंबर भी डायल किया गया, इनोवा गाड़ी से आए, दो पुलिस थे, उन्होंने हमको ले गए हॉस्पिटल में भी एडमिट किए, कंडीशन तो बहुत ख़राब। तो फिर सेकंड टाइम जब दूसरे दिन इन्होंने कहा कि हाँ बयान देने के लिए कुछ भी हुआ तो थाने पे बुला के, दूसरे दिन हम लोग मेरे मौसेरे भाई ने साथ में गए थे, वो एप्लीकेशन इतने नहीं थे सक्षम कि हम लिख पाएँ, थाने भी गए, उसके बाद थाने पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई, उसके बाद SSP ऑफिस आए, यहाँ भी हुआ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। सब ऐसे ऐसी घटना हो रही है लगातार निरंतर, ये हमें परेशान करे हैं। कराते हैं इसमें जी सर, थाने से पढ़े लिखे हैं एजुकेटेड, हमको बार बार बोलते हैं कि तुम ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम्हारी कैरियर नुकसान कर देंगे, भाभी वो नहीं कर पाएंगे, अभी आप कार्रवाई हो जाएगी इसमें, ना हो तो 15 दिन बाद मेरे पास आ जाना। बताइए क्या हुआ, बताइए। महिला आयोग सदस्य, हाँ बताइए सर। मेरा पढ़ाई के दौरान एक लड़के के साथ अफेयर था, वो शादी का झांसा दे के मेरे साथ 4 साल मेरे ही साथ रहते थे, और शादी जब उनकी नौकरी लग गई तो वो शादी मुझसे करने से इनकार करते, तो मुझे मजबूरन कहीं और कर लिया उसने शादी, क्या शादी अभी नहीं की है, लेकिन वो मुझसे इनकार कर दिए क्योंकि कास्ट इशू हो रहा था। फिर वो और उसको जॉब लग गई, लगने के बाद मुझे मजबूरन मुकदमा करना पड़ा। जब वो मेरे साथ 4 साल रहते थे तो मैं JRF की स्टूडेंट, उनकी माँ है,
तो सर जब मैं JRF की स्टूडेंट थी मुझे पर मंथ स्कॉलरशिप मिलता था, उसी स्कॉलरशिप से वो भी पढ़ाई करता था और मैं भी पढ़ाई करती थी। जब उसकी जॉब लग गई तो उसने शादी से इनकार कर दिया, मैंने मुकदमा किया, आज वो चार्जशीट भी दाखिल हो गई है। ये क्या कह रहे हैं, उपरोक्त प्रार्थनी के मुकदमा दर्ज कराए जाने के पश्चात मैंने जब कराया, आपने भी करा दिया? नहीं, पहले मैंने ही कराया था, फिर उसने भी करा दिया आपके ऊपर। मेरा ही पैसा लिया था उनकी माता जी ने, जबकि उनकी माता जी का कोई मतलब भी नहीं था। उसने पेशबंदी में मुझ पर जबरदस्ती 15,000 का मुकदमा करा दिया, उस पर FIR भी लग गई थी। FIR लगने के बाद चूंकि मैं यहाँ की नहीं, उन्होंने दबाव डलवा कर उसको अग्रेसित कर दिया पुनः विवेचना के लिए। अब जो पुनः विवेचक है वो मुझे तरह तरह से परेशान कर रहे हैं, क्योंकि सर अभी 10 तारीख को मेरा PCS जेल में सिलेक्शन हो गया है, तो वो ये चूंकि मैं सिविल जज बन गई हूँ तो उसके लगता है कि मुकदमा है तो मैं जॉब ना कर पाऊँगी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि इस विवेचक को बदल दिया जाए या जो पहले से FIR लगा है सर उसे मान्य कर लिया जाए। और जो अभी वाले विवेचक है वो बेवजह मुझे परेशान भी करते हैं और सही से न तो विवेचना कर रहे हैं और न मेरी कोई बात ही सुन। अभी SSP के समक्ष ये आई हो और सब लोग जाएंगे, वो जो भी निर्देश देंगे ये बातें उनको बता देना, अगर फिर भी हल ना हो तो मैं 15 दिन बाद देखूंगा इस केस को। नहीं सर, वो पूरा दबाव डाल के चार्जशीट, चूंकि मेरी ज्वाइनिंग होनी है ना सिविल जज में, मैंने भी बताया अभी रिजल्ट आया, तो वो कह रहे हैं उधर के लोग ना पूरा दबाव डाले हैं कि किसी भी तरह 1 से 2 दिन में चार्जशीट लगा ही दो। अभी फिलहाल चार्जशीट नहीं लगेगी ये बता दीजिए, जब तक SSP के समक्ष नहीं जाएंगे आगे कोई ना पर्चा कटेगा ना कुछ होगा आज के लिए। वो मुझे रोज परेशान कर रहे हैं सर, उनके जो IO को बता दीजिए बात, और नहीं तो ये तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जाएगी, ध्यान रखें। वो IO सर, सिर्फ IO को सर एक बार फोन करके इतना कह दीजिए मुझे परेशान ना करें। मैं बैठिए अभी बाहर, अभी बोलो क्या हुआ। हमारे भाई मुकदमा कर रहे आज एक साल सोचा तुम बाहर मुकदमा उठाएगा और हम लोग पहली दूसरी के चार्ट कहा पे मुकदमा उठाएगा, पहली दीदी के हम अकेले हैं दूसरी के चार्ट, तो हमका हक उतना नहीं दूंगा तो मुकदमा दायर किया, एक साल का मुकदमा चल रहा है, तो हमका जब नहीं गए तो बंदूक और राइफल से आगे धमकी दे मुकदमा उठाएगा। नहीं तो थाने पर ये जो पूरा मुफ्ती गए थे आप? नहीं, हाँ हाँ नहीं, वो नहीं गए। क्यों नहीं गए? मतलब गए नहीं ना, उसके बाद में अब बताइए, पहले तो थाने जाना चाहिए ना। कराते हैं कल IGRS पहले किया हूँ अगस्त में, जुलाई में SSP क्राइम साहब द्वारा आदेश भी दिया गया मकान खोला जाए, उनको नोटिस खोलने कौन नहीं दे रहा सर? वो बंदा आता नहीं, कहीं सोता है, बीमार हूँ, कौन नहीं आता? जो बाकी जो भाई है बाकी जो, ये तो उसने अभी तक सामान नहीं निकाला अपने यहाँ से, कुछ नहीं। मैं 8 महीनों के बिना देखे सर, 3 बार मैं आदेश करा गया, प्लांट मेरा सब कुछ बैठ गया है सर, समरसेबल डाउन हो गया, मैं वहाँ गया नहीं, लेकिन 8 महीना हो गया सर, मैं 6 महीने बाद आया हूँ, मैं सोचता हूँ कि दीपावली में सर दिया जलवा दीजिए। 28 तक मेरी छुट्टी होगा, अभी सर ये बच्चा की पढ़ाई बर्बाद हो रही है, बीबी वाई घर में रहती, मैं वापस आऊँ नक्सलियों से लड़ूँ सर कि इससे मकान खाली करूँ? अब मकान खाली करने के लिए पुलिस के आदेश है कि बताइए, अब पुलिस का तो जो ये था इन्वेस्टिगेशन का काम है वो पूरा हो गया, उन्होंने क्लियरेंस दे दिया। हाँ, अब आप उसका सामान वगैरह कैसे निकाल साहब? 14 जून जमा हो गई चार्जशीट जमा हो गई। ये चार्जशीट तो जमा हो गई लेकिन माल्य किसी का कब्जा है, उसका सामान वगैरह रखा हुआ, तो उसे मैं कैसे खाली करा दूँ? या तो कोर्ट से जाइए उसमें कराने के लिए। कोर्ट कहना है कि मैंने तो बंद ही नहीं करवाया, तो मैं खाली करने का इसका सर। कोर्ट क्यों कहेगा बंद करने के लिए? वो तो कोर्ट में तो आप उसको पार्टी बनाइए ना दूसरे पक्ष को, और या फिर आप स्वतः ही जो कुछ करना कर लीजिए, उसमें मैं क्या करूँगा फिर बताइए। आप चाहते हो कि पुलिस करे, पुलिस थोड़ी करेगी ये काम, घटनास्थल पर खड़ी हो जाए। नहीं, हम क्यों खड़े हो जाएंगे, पुलिस क्यों खड़ी हो जाएगी? नहीं, अभी क्राइम साहब ने 17 तारीख को बोला था कि आप लोग जो है पंचनामा कर दें, CO सोराव साहब पंचनामा करके उसके सामान को भी कहाँ दिखाई साहब को दिखा, तो अगर ये सिर्फ पंचनामा हो गया पंचनामा कर काम खाली कर हट जाए सामान, अब वो उन्हीं के पास जाइए, वही हटवा सर, वो बोलते मेरी ट्रांसफर हो गया, वही हटवा सकता था, मैं लिख रहा हूँ SSP साहब को लिख रहा हूँ, देखें Thank you.
अभी लिख के भेज रहे हैं, अगर हो जाएगा ठीक है, नहीं तो 15 दिन बाद आना मेरे पास फिर। ठीक असल में सर हमारा ट्रांसप्लांट भैया हमको रोज धमकी देते हैं। आपका भाई धमकी दे रहे हैं? भाई और भतीजे। ये तो भाई भतीजे की लड़ाई मैं कहाँ से हल कर दूंगा यहाँ से, ये बताओ। सर रोज धमकी दे रहे हैं, हमारे बच्चे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जबकि ऑलरेडी मेरा मुकदमा कोर्ट में है। वो कहते हैं कोर्ट से मुकदमा उठाओ, नहीं तो साले तुम्हारे लड़के को भी मारेंगे और तुमको भी मारेंगे। थाने नहीं गया? थाने अभी नहीं गए सर। कौन सा थाना है? करेली सर। करेली थाने से ही आदमी आएगा जांच के लिए? जी सर। करके आएगा सर? सर जबकि कुछ करते नहीं है, कोई मतलब काम नहीं करते, 2500 साल से बैठ के जो प्रॉपर्टी। आप यही सब बातें बता देना, घबराइए नहीं, बिल्कुल सही कार्रवाई होगी। ठीक है, परसों सर चढ़ के जो है फैक्ट्री पे और मारपीट करने लगे, जबकि बुलाए फोन करके बुलाए थे। इधर 1.5-2 महीने से आने लगे हैं, नहीं पहले नहीं आते थे, कराते देख चुके हैं कि ट्रांसप्लांट हो गया है, ये कमजोर है, तो रोज एक बार बता देना। बीट कांस्टेबल अभी हो आएंगे, इसमें लिख लो।